भाइयों, सभी मिलकर के एक बार दुर्गे माँ का जयकारा बोलें, जिससे कि आत्माओं को शांति हो। बोल दुर्गे मैया की जय। हाँ तो दोस्तों, ये प्रोग्राम अजयनगर बंगाले की लड़ाई 3 मूर्ति कैसेट के माध्यम से पेश कर रहे हैं। कलाकार नेम सिंह कुशवाहा, भरत सिंह, मलखान सिंह, बनी सिंह और हास्य कलाकार हैं बाबा पद्मनाथ। संगीत दे रहे हैं मास्टर नौबत सिंह, हारमोनियम वादक मास्टर महेंद्र सिंह, नक्कारा बजा रहे हैं उस्ताद रशीद, ढोलक वादक बालकृष्ण और इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं हमारे भाई खेम सिंह, निवासी नया नगला। दोस्तों, 3 मूर्ति कैसेट के अच्छे प्रोग्राम आपको बॉबी इलेक्ट्रॉनिक 5 स्टार मामू भांजा अलीगढ़, वहां मिलते हैं उचित रेट पर, वहां से खरीदें। जिसकी रिकॉर्डिंग करता है भाई सुरेश। तो दोस्तों, सुनाएंगे अजयनगर बंगाले की लड़ाई। देखिए, इधर भूल मिलुक से किशुनलाल और ढोल कुमार की जब चोरी हो गई, मिल जाते हैं तो दोनों बेटों को लेकर के नल मनसुख आगे के लिए बारात का प्रस्थान करते हैं। तो चलते चलते नल मनसुख रास्ता भूल जाते हैं और धोखे से अजयनगर की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से सुने प्रोग्राम अजयनगर बंगाली की लड़ाई। भैया मनसुख, भाई साहब चलो, आगे के लिए चलते हैं। हमारे जो है पुत्र जो है वो मिल गई, अब आगे के लिए बेटे। अरे चाचा जी, बेटा ठीक है, हमारा पता तो चल गया। हाँ अब चलो चलो, आगे के लिए बारात को बढ़ाओ। चलो चलते हैं बेटा, क्योंकि ब्याह में बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत। और भैया ढोल पर भी हमारे साथ है। अरे चाचा जी नमस्कार। चिरंजीव मेरा पुत्र, बढ़ाओ बारात को। प्यारे बिछुड़े मिल गए कुमार करी चलवे की तैयारी, रथ घोड़ा यशपाल सजी है नल की सवारी। नल के सज गए से तभीवान, दोनों कुमार पलकिन में बैठे पीछे ढोलते संग ननवारे। चलिए चाचा जी तैयार कर दो। अरे चलियो जाल चलियो रे भैया, अब अक्का अरे आगे कू मनसो। अरे अब अक्का आगे कू रे भैया, अब अक्का जागे कू मेरे मनसुख भैया, देर तो करन कोरे मखूना। और आगे ये देखेंगे ये कौन सा शहर है। चाचा जी कहिए बेटा ढोला कुमार, ब्याह कब होगा? शादी हाँ। हो जाएगी, अरे कोई बड़ी जल्दी पड़ेगी शादी की। अरे घोड़ा रे बड़ा दे रे बादना, दो अरे भैया नु नहीं मेरे पीरन तो को दिल की रे बता रे मई का बात। चलिए अरे
कुमारा में। भैया हाँ भाई साहब चलो मेरे यार। अरे बारा तेरे जा मेरे देता राम कुमारा में। ढोला के सुरैया संख्या कर रे काल की राय। नारा बारिया नहीं। भाई साहब अपने घोड़ा को बढ़ाओ और चलो चलते हैं। चाचा जी हाँ कहिए बेटा बढ़ते चलो जल्दी। अरे ये रे लगा दे बादना नारा बारिया नहीं। सरदारो घोड़ा सुरग में दयो यदे पहाड़ा भैया। और हम अजरे नगर में पहुंचे जा। अरे मैं समझ गया भैया ढोल कुमार भाई साहब हम तो पागल हते तो हम तो बालक और वे बूढ़े बूढ़े पागल है गए। तो ही मुझे मालूम पड़ा हमारे छात्र की दौड़ने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों भैया? अरे भैया क्यों है गई ढोल कुमार कहते घूम गांव के भंडार वर्मी आ गए। भैया मुझे मालूम पड़ता है कि ये घूम घाम के और हमदरबार में आ गए रास्ता भूल गए। नहीं भैया तुमको मालूम होना चाहिए जब हमारे ऊपर 12 साल के लिए शनिचर आया था तो मेरे यार हमारे किले के तीन कमूरा नभे थे और इस किले के तीनों कमूरा इसके तीन बराबर खड़े हुए हैं। हाँ भैया चाचाजी झंडी नभी हुई है इस किले की। झंडी और क्या? नहीं झंडी भी देखो फहरा रही है। अरे चाचाजी ये नरवर है। हाँ नरवर है। घूम के रास्ता भूल के आ गए नरवर में वापिस आ गए। अरे चाचा तुम्हारे ओ समझ आए। अरे अकल बिगड़ गई दो भैया लगी तुम लौट नरवर में गए फिरे। भैया किशनलाल हाँ यही मुझे मालूम पड़ता है कि जैसे ही अपने जैसे किले हैं अपने जैसा ही अपना ही जैसा बना हुआ है अपने जैसी जमीन है सब कुछ लौट करके नरवर में ही आ गए। हम तो जानते हैं कि हमारे चाचा जी को रास्ता का पता नहीं कि संकल दीप किधर है। और क्या ये मुझे मालूम पड़ता है। चाचा मन की मैं दिले फिया। अरे रास्ता भूल गए तुम संकल दीप में पेड़ो देखे के सवरा जाती। बेटा किशनलाल हाँ चाचा जी ऐसा है घोड़ा को आगे बढ़ाओ और चलो देखेंगे ये नरवर है या कोई दूसरा देश है। चलो बढ़ा दो आगे को। चाचा जी चलो घूमे आए इस नंगर में। इस नंगर में और क्या बेटा? नहीं नंगर में बाद में जाएंगे। हाँ नल मनसोख ढोल कुंवर किशनलाल जो अजयनगर का बगीचा था अजयनगर के बगीचा के पास एक ताल था व्याकुल हो जाते धूप किनारे उस ताल के किनारे पर नल मनसुख पहुंच जाते हैं वहीं पर घोड़ा घड़े खड़े कर देते हैं। देखो आपके सामने ताल की कितनी सुंदर और देख करके और किस प्रकार आगे बगीचा के लिए जाएंगे। अरे चाचा जी कहो बेटा ढोला कुमार क्या बात है? आप बगीचे के लिए और चंदे के लिए तैयार हो? मैं इस बगीचे की कुछ शोभा देखना चाहता हूँ। शोभा तो देखना चाहता हूँ। ब्याह कब होएगा? ब्याह हो जाएगा फिर का एक मोहम्मद बल्लों को ब्याह। बेटा ढोल कुमार
पिताजी जरा तसल्ली करो बेटा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, जल्दी इंतजाम करवाओ। चाचा जी बेटा ये ताल कितना सुंदर है। हाँ बेटा। अरे ताल किनारे के पास करे जानन थारे घोड़ा, खड़े जिन्हें कर दे घोड़ा भैया। अरे चकवी करे रे किलोल चरे बतर कल के चोड़ा, कितना सुंदर ताल है भाई साहब। अरे बीरन कैसे रे उज्जवल नीरा, अरे जो कोई ना बे ऐसे ताल में, अरे जाके सीमन हो करे सा। भाई साहब कितना सुंदर ताल है, किसी राजा ने कितना अच्छा बनवाया है, कोई राजा हमें बहुत अच्छा। और भाई साहब ऐसा करिए घोड़ा आगे के लिए बढ़ाओ। चलो भाई साहब इन बाघों की तरफ चलते हैं। हाँ बाघों की शोभा देखेंगे, कितना अच्छा बाघ है, दूर सही बाले पड़ रहा है तो यानी जोरे से कितना अच्छा होगा ये। अरे घोड़ा ने कहा आगे कुबेर नारे बढ़ाए दे, अरे बढ़ाए दे ने कहा आगे पूरे बढ़ाए दे। बढ़ाऊं भैया आगे तो भैया, कितना सुंदर बाग है भैया, मुझे तो ये मालूम पड़ता है किसी राजा का बाग है ये। भैया कितना अच्छा बाग है, देखो इसकी शोभा कितनी अच्छी, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। अरे काऊ राजा को दिखे बागुरे अमीरी। भैया एक बात है, बाघ की शोभा तो बाद में देखेंगे, इसका फाटक खुलवा माली नजर नहीं आता है। भैया दूर से दिखता है जबरदस्त, और फाटक सुंदर है चाचा जी, फाटक खुला हुआ है, उड़ा उड़ा पड़ा है, फाटक खुला हुआ है और माली नजर नहीं आता है यहाँ पर। भैया देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बगीचा का फाटक खुल रहा था, वो क्यों खुल रहा था, क्या माली नर बच्चा के अजय नगर से और बंगाल का राजा कैद करके ले गया था, इस वजह से माली मालन बगीचा में कोई नहीं थी, मेवा मिष्ठान के गल्ले पड़े हुए, नल मनसुख किसुल्ला ढोल कुमार फाट पर खड़े और कह रहे भैया देखो कितना सुंदर बाग है और फाटी खुल रहा है इसका, ऐसे मेवा मिष्ठान को खाने वाला नहीं है, चलो भीतर दस के चलते। भैया मनसुख चलो भीतर चलते। हाँ भैया चलो। काऊ राजा को बीरन बागुरे अमीरी, अरे खट्टा मीठा जामी पकी है जमीरी। देखो कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे फल हैं इसमें क्योंकि खाने वाला कोई पैदा नहीं है। अरे काऊ राजा को बीरन बागुरे अमीरी, खट्टा मीठा देखी पकी है जमीरी, पके लोटना आमदार निभुवन दिए। कितनी अच्छी शोभा है भैया, शोभा है, चलो और आगे चलते हैं। और जा 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 में बड़ी बड़ी बेवाएं, अरे रो सही रो सब छुटक रे बेला, और सबई शोभा रे बड़ी रे बाग में, काऊ काऊ रो सब लटक रे केला। बड़ा अच्छा बाग है। चाचा जी कहिए ढोल कुमार। अबे चारा और बा गन के फिर आयो, चारा और बा गन के फिर आयो, माली जाए देखो कौए नाए पायो। भैया हाँ भाई साहब,
माली नजर नहीं आता है। भैया मैं तो बाकी शोभा देख रहा हूँ और माली देख रहा हूँ। मैं तो माली के इंतजार में हूँ, कोई माली मिले मुझे। अरे नागफनी तूवर की बीरन झाड़ी खिली आम अनार रोस देखी, खिली आम अनार रोस केरन किए लियारी। कितनी अच्छी शोभा। और चलो चलते हैं आगे के लिए और देखेंगे। चलो चलो जामे कई रे जिन्स के आम, बीरना कई रे जिन्स के आम, अरे बहुत तेरे वृक्ष जामे ऐसे मोई दिखे और नलो जान तुना इनके रे बीरना। चारों ओर रे बाग के फिर आयो माली कंवरे नजर नहीं पायो। भैया एक माली दिखता है, शायद इसके पास चलते हैं। हाँ वो सामने दिख रहा है। चारों ओर नलो बाग मेरे आयो एक माली जाए पत्थर को पायो। जावे पच्ची कर तरे किलो, अरे पत्थर को माली बीर दिखे बागन में जाके हाथ में लगी रे गे। अरे माली रहे गिलो खेच। भैया पत्थर का माली इसके हाथ में गिलो लगी हुए। चाचा दी अरे माली रहो गिलो खेच, अरे बेवन के गल ले लगे रे, अरे पक्षी मारत नाये उड़ के। भाई साहब कहिए। भाई साहब देखिए यहाँ कोई जरूर करिश्मा है जो कि ये बाग कितना सुंदर देखो सूना पड़ा है, मेवा मिष्ठानों के गल्ले पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो कोई खाने वाला पैदा नहीं है और माली भी है ये तो भी पत्थर का है, क्या कारण है कोई पता नहीं भाई साहब। भैया आखिर यहाँ कोई इंसान होता दिखता ऐसा करते हैं। आगे के लिए चलते हैं। चलो अगर कारण तो देखें क्या कारण है। इस शहर पर हम चलते हैं। कोई इंसान दिखाई देता तो उसे पूछते कि बगीचा की ये कैसी दिशा बिगड़ रही है। ये तो भैया पत्थर का ही माली है। चलो भैया इस शहर की शहर करके आएंगे। चलो भैया। अरे बढ़ा दे घोड़ा आगे कुबेरा ना बढ़ाए दे, अरे शहर मोए ना की अरे करवाए दे, शहर तुम्हें ना की रे कराऊं। भैया अरे नलुआ बा मन में रहे सकुचाए, अरे फौज भड़ाए दइए जाने आगे कू, अरे जाके मानुष नजर कोई आवे। जाके मानुष नजर कोई रे आवे, अरे सार दगरे दे छोड़े, अरे पकड़ ली जिन्होंने ताया बापा का डंडी। पहुंचे बीच बाजार रे ओदी पड़ी बनियनु कीर देखो डंडी रे।
तो भैया बड़ा ये बाजार सब खुला पड़ा है पर इंसान ही नहीं दिखाई देता। इंसान ही नहीं दिखता है, बड़े तेजब की कहानी है। अरे बनियन की तो डंडी रे बीरन मेरे, बनियन की तो रे डंडी रे। अरे नेसक बड़े के चले अगारियों दी, पाई रे जाकू भैया मंडी रे। शहर की मंडी देखो, फल फलूट रखे हुए लेकिन कोई इंसान नहीं है। भैया यहाँ की मंडी भी सूनी पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं। नलो पहुंचो ये बीचैया रे बाजार, अरे मेरे वीरन के भैया बड़की अरे जी पहुंचो ले बीच बाजार। और देखा ना लागो रे हीरा नारा बारा बारो रे सोनो, गाड़ा ता न पायो यारे सुनारे। अरे सुनार सोनो गलत न पायो रे जाय सुनारे, सुनार सोनो गलत न पायो रे जाय सुनारे। भैया कोई नहीं दिखता है बाजार में। सुन भैया रे मनसू कुनलती ऐसी गाई रे, भाई साहब ये बाजार रूड़ा रूड़ा सा दिखता है, चलो आगे के लिए चलते हैं। बिल्कुल सुना बाजार पड़ा हुआ है, कोई इंसान यहाँ पर नजर नहीं आता है। बात क्या यार, मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी कहो बेटा ढोला कुमार क्या बात है। चाचा ऐसी मालूम हो जानंगर के बीच में त्रिया से त्रिया पैदा। बेटा ढोला कुमार ऐसा कभी नहीं हो सकता है बेटा जी। आगे सबरी देखो, डुकरिया डुकरिया नजर आती है, कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है यहाँ। आगे चलते हैं। सच कहते हो चाचा जी, यहाँ पर त्री नजर आ रही हैं। अरे भैया नलले मनसुख को पकड़ो हाथ, अरे मोई तो चाचा मालूम पड़ते राजा की गई है। यही लगता है हमें कि कोई इंसान नजर नहीं आता है। राजा की बरात तो नहीं है चाचा जी। बेटा किशनलाल भैया ये खोजा कर भाई रह गई है यहाँ। यहाँ से बरात जाती हाँ तो बच्चे तो रह जाते, कि सब बच्चे भी चले गए यहाँ से। हाँ ऐसा भी हो सकता है, बच्चे नहीं है यहाँ, त्रिया ही त्रिया है, न छोटा बच्चा है न कोई बड़ा है। भैया कोई करिश्मा है यहाँ, पूछे चल करके। हाँ नल मनसुख किशनलाल ढोल कुमार किस प्रकार बतला रहे। भैया देखो सबरे शहर में घूमे आए, बाजार में घूमे आए, दुकान खुल रही है, बनियान की और डंडी औधी पड़ी है, मंडी बंद पड़ी भई है। आगे भैया कोई इंसान ही नहीं दिखता है सिवाय त्रियन के। सो भैया जी हमें देख देख के और भीतर दस गई है। चलो आगे दरवाजे को, ये सामने केला दिख रहा है फांटे पर, ये दुकानियां मालूम पड़ती हैं। चलो भैया इनसे पूछेंगे कि ये क्या मामला है। अरे बड़ा देवरे घोड़ा मेरे चाचा अबका नंगर मे। चलो घोड़ा को मैं बढ़ाऊंगा आगे दिए और आगे देखेंगे यहाँ पर। और क्या चाचा जी, ये बुढ़िया कैसी यानी अंदर जा रही है। मेरे चाचा गाड़ी साथी का बता रहा वे ढोला बात। अरे चिंता बात करियो रे बेटा तिलक का अपने मई। बेटा ढोला कुमार चाचा जी आप चिंता मत करो। अरे चिंता मत करियो लड़े
रुक भाई साहब। मोई जा का यरे नगर को मेरे भैया भेदी अरे बताए दे। भाई साहब मुझे भेद का क्या पता है, चलो आगे चलते हैं, ये त्रिया खड़ी हुई है उनसे भेद मालूम पड़ जाएगा। अरे सबरी जाने बैयर मेरे बिरना दिखे नगर में, मेरे बिरन कोई मानुस अरे नजर मोई आयो ना, कोई इंसान नहीं दिखा है औरत है। और न लो मनसुख तेरे बतराए, अरे पीरनो मनसुख तेरे बतराए, बुढ़िया दिखे मोई जा रे नंगर में, अरे मेरी बात तू दियो रे कर भैया। अरे आगे पूरे जी गए फिर आई बुढ़िया जिन कूजे रोमत पाई। भाई साहब ये दरवाजे पर बुढ़िया रो रही है, चलो इनसे ही पूछेंगे किस नगर में क्या बात है। अरे जिनके दिल में बंधा तुनाई भीर, बहुत तेरी रे जाए मनसुख समझ आवे, अरे इनके नैन रती बरस रहे वीरना। भैया ये बुढ़िया रो रही है देखें। चाचा जी कौन बेटा डोला कुमार। अरे चाचा करी रो चोट पे चोट। चाचा जी बेटा डोला कुमार। चाचा करी रो चोट पे चोट, अबे तदका नारी घू बट मेरो में कचो रोबे मुरा गारी निकी। अरे करना तेरो ना सुई जाइयो रे, अरे करना तेरो ना सुई जाइयो रे, चंदन की ये चौखट जा पे चांदी की किवारियां, द्वारे पे रो नहीं दादा तीन डुकरिया, चांदी की चौखट जा में चंदन की किवारियां, द्वारे पे रो रही पीरन तीन टुकरिया, रो रो यहाँ सुनते भीगी जिनकी फरिया। भैया बहुत रो रही है ना जाकर के पूछे। अरे आ सुनते रे जिनकी भीगी अरे फरिया, बहुत कनारी नी होट, अरे बहुत तेरी रे रो में छरजे पे बैठी, अरे कछु रो में मुड़ा गारी न की रे बिरना। अरे करना तेरो ना सुई दियो रे, अरे दलिया मोए का समय ऐसा हो जाएगा रे माता जी। अरे बेटा मोए अब ना मिलेंगे दलिया रे। भाई साहब चलो चलते हैं बुढ़ियों के पास में, इनसे पूछेंगे क्यों रो रही, क्या इनके क्या दुख है। बुढ़िया राम राम। अरे बउआ हाँ माता जी। हरिया अरे कड़ी खाने की चांदन में मारो। अरे कड़ी खाए राम राम। अरे तू मत जा ते घोड़ा मत जा, ओ ते राम राम करवे मारे सवरे मत जा। अरे कड़ी खाए राम राम करे। अरे अम्मा अरे तेरी चांदे पीटू तेरी या। भाई साहब अरे जाके हरिया दे जाके चांदे हरिया। ओ भाई साहब भैया ये तो ज्यादा गर्म है बुढ़िया, कोई चक्कर है। चक्कर है इसमें ये। अरे मारियो नेक जीतो बता हमें तू क्यों रो रही है।
अरे करण पाल बंगाले के राजा हम कपिला गाए तियारी सोने करना सोने करना अरे करना तेरा नासी जइयो रे अरे करण पाल मैया हम हतनाए माँ हम करण पाल नहीं है कुआ तू करना ना तो अरे करण पाल माँ हम हतनाए सुनिए बात हमारी सुनी मैया और मैं तारी अरे तेरी चांद है पीटू करी खाए अरे तू करना ना बरने हो अरे प्यारी तू ऐसे ही पहले आओ चिलकला चिलकला बन के अरे पहले ले गयो नर पर चलकू किरी यन पे तेग समारी सुने करना सुने करना भैया भाई साहब वो तो कोई करना भूतरा या देवता नहीं कहते भैया ये कह रही है कि बंगाले का रहने वाला कोई करण पाल हम तुमको समझ रही है जी इनके बालक ने ठीक है आदमी ने पे झपेट करे वो है हाँ वो हमें तुम्हें समझ रही है जी भूतरा है कोई भैया जरूर जिन्हें पूछो मैया अरे मैया वाले क्या कह रहे हैं अरे हम करण पाल नहीं है ये बताओ करण पाल क्या चीज है अरे पहले ले जाओ नर पर चलकू तिरी यन पे तेग समारी सुने करना सुने भैरी अरे लुच्चा अरे तेरी चांदे पीटू कड़ी खाए भैया गोच खानू ये अरे भैया देखो ऐसी गाड़ी मिलते हो हम करण पाल नहीं है और हम ना अरे जो तू हाथ लगावे पार न ते गंगा देखे भागीरथ वारी सुने करना सुने करना अरे कड़ी खाए भाग जाना थे पैर के हरिया मार भी खोपड़ी ना अरे भरत सिंह अन्यो कह के सट में तेरी कर देऊंगी रे में तो खारी सुने करना सुने करना अरे दया अरे भरत सिंह अन्यो कह के सट में तेने कर दई हमारी खारी सुने करना सुने बेरी अरे मैया जा करना को दई ओरी भेद बताए अरे ले लेना मुतुबा करन पाल को और कैसी रही गैया सीरे जननी माँ ए बुढ़िया ए बेटा कौन हल्लू का बंदा कर लो बेटा जे ये मन में ये अरे नरवर चारे बानी एक नाव छोरा अरे मेरे बेटा की कर ली रे प्यारी अरे अरे कैसे कह दी कर की जो ले गो अरे बैरी अब तू पूछ रो है अरे ऐसी पहले तेने पूछी अब तू हमें ले जाते हमें हमारा क्या करेगो अरे धोखे ना रही हो बुढ़िया तूरे करना के अरे बुढ़िया नहीं हो मोए भेदो बतलाए मैया हम करण पाल नहीं है हम करण पाल नहीं है इस बात को हम कह रहे हैं करण पाल नहीं है तुम मुझे भेदभाव क्या बात
बात है क्या बात नहीं? करण अनाय नहीं, गंगा इस सुगंध कहता तू करण अनाय? हम गंगा की कसम खा के कहते हैं करण पाल नहीं है। अच्छा, अरे कौन करना और कहां का करना? अरे सुनतना रही, का कह रही हूँ? गंगा जी के समय खाए रहो, छलिया है गोच फल एक एक करी खाएगी। ऐसा तू हरी जा जाएगी चार दिन नीचा की। अरे शादी कर में जो चारे बेटन की। अरे सुनतना रही भैया, का कह रहे शादी करवे जा रहे? शादी करवे? अरे शादी करवे बुढ़िया जा में बेटन की। अरे बुढ़िया गए नंगर में देखी आए। संकल्प दीप की? हम संकल्प दीप के लिए शादी करने जा रहे हैं हम अपने बच्चों की। अच्छा, अरे रास्ता भूल गए संकल्प का दीप की। अरे मैया जा पे पहुंचे आए। अरे कोई देश कोई करना बैरी है। बेटा तीजा बात है कहते। अरे बेटा मेरे बड़बड़ी आग लगते हैं मेरे बेटा। माँ हम कर्णपाल नहीं है। कर्णपाल नहीं है? नहीं, हम शादी करने जा रहे हैं। मैं बतलाती हूँ कौन करना था बेटा। कहाँ का रहने वाला है वो? बंगाले को राजा कर्णपाल। क्या मेरे... तेरा बैठने की क्या मामला था? कौन सी गलती हुई? बतलाती बेटा। बेटा मेरे बड़बड़े फकबगे आते हैं। बताओ क्या बेटा घम करना है? तो बेटा तेरी अख्तियार है चाहती मार। अरे चाह बेटा तू छोड़, अब हम तो कहानी बताती है जो हमसे का बुढ़िया बताती क्या नहीं हो? बेटा हमारे बुढ़ापा खुआर करी गई बेरी। माँ हम कसम खा रहे हैं कि करण पाल नहीं है हम। ठीक है बेटा, तुम कसम बात है वो बताइए मेरे लिए। तो मैं तुमको अवश्य बतलाऊंगी बेटा जो मेरी विपत्ति कहानी है। अरे परबी बेटा हर द्वार की रे आई बेटा। अरे परबी हर द्वार की बेटा आई और माँ की रे तारी मेरे बेटन ले लगाई। अरे भैया ढोला, अरे हर द्वार की परबी वरी माँ इसके बेटा लाने के लिए दे। अच्छा हाँ सुनो, ये क्या करिए बुढ़िया? सुनिए भाई साहब। अरे बेटा हरिद्वार में पर्व परो बड़ी जोर को बेटा। फिर क्या हुआ बुढ़िया? तो मेरे बेटा उस सेना सजा के बाद गंगा नहावे काज गए। अच्छा, अरे पुत तेरे सेना बा करना की तो आई। कर्णपाल बंगाली को सेना सजा के लाओ बेटा जा गंगा जी पे। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे करना पाला बंगाले को राजा। अरे बाने उसे बेटा गंगा पे अड़ाई बेटा। जा रे बता दे बूढ़ी डुकरिया। अरे आगे की बता दे बूढ़ी रे डुकरिया। कैसी बेटल की देखी बंदरे कराई। अरे संग मेरे धिया गे नम दे बाकी आई। बाकी लोड़िया गे नम दे बेटा। अरे वो भी सब आई सब सकी सौत जवान धींगरी है रही। फिर क्या भाई साहब?
माँ ये कह रही है उसकी लड़की अच्छा उसके साथ आई थी घर ना गए। हाँ वो भी गंगा स्नान करने के लिए। माँ रो मती, जो बात है वो बताइए। मेरे बड़े बड़े पग बके आते दयारे। रो मती रो मती। माँ ये बताओ आगे फिर क्या हुआ। अबे पल पल देरी बुढ़िया बरसा बरोबरे और आगे की बात सीगा दयो समझ आई। बेटा बताऊंगी बेटा मेरे बड़े बड़े फकबगे आते हैं खेत में। क्या हुआ रो बाकी अधिया बेटा गेल मधे अरे क्वारी और गेहूं तो नहाने बेटा गंगा जी पे आई। गंगा जी में नहाने के लिए आई थी बेटा। अरे डोरी पिटवाए दिए करना ने डोरी बनवा दी बेटा। अरे डोरी पिटवाए दिए करना ने अरे गेले मेरी दिया गेल मते अरे नाई। उसने ये कहा था कि पहले मेरी बेटी नहाएगी उसके बाद कोई और स्नान करेगा। बाद में बेटा चाहे कोई ना आए पर मेरे बेटा ने नाई मानी। अरे मेरे बेटन ने जबरन बेटा कीनी अरे गंगा पहले यारे हम तो लेंगे नाई। तेरे बेटे ने कहा था पहले स्नान हम करेंगे। भाई साहब इसके बेटा भी यानी ज्यादा वो तेगा धारी थे वो कहने लगे कि हम पहले स्नान करेंगे। भाई राजा के तो राजा ही होते हैं। राजा के तो राजा ही होते हैं। माँ फिर आगे के लिए क्या हुआ उनकी कैद कैसे कराई थी। अरे सूरत देख लिया मेरे बेटन की आस कह गई। अरे वो तो बेटन पे गई है लुबियाई बेटा। बढ़िया आ रही है समझ में। मेरे बेटन की कोई कसनाई वो सौत जान दीनरी है रही। मेरे बेटन की शकल देख के सौत न पे मोहित है गई। अच्छा अरे रोए रोए देख के तेरे देखी आंसू। अरे रोए रोए देख कि तेरे बुढ़िया आंसू हमारा कलेजारी फटो देखी जारी। अरे मेरे बेटल बेटा गई है लुबे आई और जाई बात पे भैये का लड़ाई। अच्छा इसी बात पर बा बेटा पर झगड़ा हो गया। सोई बेटा तलवार चली बड़े जो रखी मेरे बेटा जीत गए करना को मार के भगा दो। अच्छा तो बड़ा तेरा धारी थे मनसो बड़ी भैया ए बढ़िया रुद्र मचा रही है क्यों कब सोच की बात है यार। और लेके गए बेटा जयनगर में आई बस सोते जाए मेरे बेटा। क्या चोरी कर लाए मैं बेटा भैया की राजी तिलाए चोरी तो ना ही करके लाए बेटा। तो ये तो बहुत बड़ा काम किया तुम्हारे लड़कों ने। बेटों ने की बेटा कोई कसर ना आई बेई सोत मर गई मेरे बेटों पे। माँ बेटा ये बहुत बड़ा किया अगर वो मोसा ना होता तो नवान क्या करता। और तीन दिन में बेटा राखी और फिर कबारे कराना ने सुनी पाई। अच्छा उसके पिता ने बेटा कराना ना हो गयो ना वे बाकी सेना पलट बेटा छोरा बाकी गए ना वे इतना मेरू बेटा गए। और तीन दिन में मेरा की और फिर खबर कराना ने सुनी पाई। कचो दिना के बाद बेटा और मेरे नंगर पे बाने कर दिए चढ़ाई। नंगर पे चढ़ाई कर गई कचु को दिना बाद बेटा भूल में देखे और मेरे बेटे ने पे चढ़ाई कर दी बात दुश्मन ने। किशनलाल चाचा जी आगे किसरो ये बुढ़िया का किस्सा सुनते मेरा हृदय कांप रहा है।
फिर क्या हुआ रे बुढ़िया? अरे कछुआ देना के बाद मेरे बेटा और नंगरा पैरे बाने कर दिए चढ़ाई और लूट करिया बेटा आज काम नगर की और मेरे बेटन की लैया उस करे चढ़ाई। अरे बेटा ढीले पड़ गए, कहा तेरे बेचारी ढीले पड़ गए, कारी उनले लाई ते गले चलाई। बेटा धोखे तेर राय परे। अच्छा अरे बेटा के तकिए न जाए, अरे मुसकई बांध लई मेरे वेतन की, अरे न पे पानी पियो ना हो बेटा। ए बढ़िया ये बता, इस नंगर का राजा नहीं है कोई? बेटा जाऊ बताते हूँ। राजा कहाँ है? अरे के तो नाम राजा को दियो। अरे मग गयो बुढ़िया करे दियो और फेरे जाब बुढ़िया ने दियो। बेटा आज बेटा 12 साल है की नंगर की राजा मरे। बेटा का कहूँ बेटा, कछ को ही नहीं जाती। बुढ़िया यहाँ था जब राजा का नाम लिया तो तू क्यों ज्यादा रोने लगी? सुनी घोड़ा वारे जवान, अरे बिगड़ गए नंगर केरे का जा। अच्छा बिगड़ गए बेटा नंगर केरे का जा, बारे साल गई बीत मरे रे जा नंगर के राजा। बेटा आज बेटा 12 साल है गई पति की मरे। अरे सती नाई पति के रे संग भई। बेटा पति के संग भई तीन आस लई देख के हिम्मत मैंने उन्हीं पे बांध लई। भैया भैया इसके 3 लड़के थे। माँ क्या रहा रे? 3 लड़के थे बताओ, बताओ। फिर बढ़िया आगे क्या हुआ? अरे तीन आस नहीं देख के हिम्मत मैंने उन्हीं पे बांध लई। पति मेरे 3 आस छोड़ गए बेटा, मैं सती नाई भई लगे पीछे ना। अच्छा फिर बढ़िया आगे कि हमको हाल बतलाओ। अरे कोई रिश्तेदार नहीं था जो तेरी बिजली में सहारा देता। बेटा बताऊं बेटा, अरे के बुढ़िया भेद बताई दियो। अरे घोड़ा वारे लकू, अरे डुकरिया सब हाल समझ आए दियो। कर्म की मैंने करी रे खोटी। बेटा
मैं सुन रहा हूँ माँ। अरे करमकी मैंने करी रे छोटी, अरे सोचती रे दिन रात बुढ़ापे में दे देंगे रोटी बेटा। ये बात तो सही है माँ, सही कह रही है कि यानी बुढ़ापे में सभी देखते हैं कि मेरे बच्चे हैं वो रोटी देते हैं। हाँ अरे राम तू ऐसा निरमोई बेटा। माँ रोमती, अरे राम तू ऐसा निरमोई, अरे इन दुखिया ना को जग में दिक्कत बनाई कोई। माँ अरे बिगड़ गए सुख बदक तेरे काजा, ओ देख जो करी करो ही रोएगा नरबर को राजा। बेटा माँ अरे कुमार में किस विधि जीओगी माँ, अरे नवल के पीछा जिसके पी होंगी। नहीं मैं ऐसा मत करना तू, माँ क्या बतला तुमने ये तीन पुत्र जन्मे थे लेकिन तुम्हारे को ऐसे एक लड़की नहीं मिली, नाम तुम्हारे बेटा का क्या काम था। अरे बेटा बेटा अब तू जाहि मत पीछे बेटा, एक कौन अभिमान हो बेटा, एक को सूरवान, एक कौन बेटा चंद्रमान हो बेटा। अच्छा तीने पुत्र कुर छाते बेटा जाए, और बेटा नाई बात में अरे तीन पुत्र मैंने जाए कुरा छाती, अरे एक जाई रे कोखिया पानी से बुढ़िया बेटा। अरे बुढ़िया तेरे मन जे पछताए, तेने भान ही भान देखी जाए, अरे बुढ़िया नाए बात मेरे पिया बेटा। अरे रिश्तेदार तेरे कामन आते, आज अगर तेरे रिश्तेदार होते वो भी काम में आते। अरे बेटा तू जाई मत, अरे रिश्तेदार तेरे काम में आते, अरे जो जनती को कि तेरे अपनी, अरे बेटा बेटा तेने चुनम कर डाली बेटा। हाँ मेरे बारे फक पक आ रे बेटा, मैं जैसे तैसो याद भूली बेटन के सोग में बैठी, एक अजी तीसरी तेने आगे और लगा दी बेटा, पहली आगे तो पति की, अरे दूसरी आगे बेटा मेरे बेटन की, तीसरी आगे तेने लली की और लगा दी बेटा। हाँ माँ एक लली होती तुझ पे तो कोई नाते रिश्तेदार तेरे तेरी मदद करते। बेटा लाए रे बात मेरे पिया बेटा, अरे बेटा लाए बात मेरे पिया, अरे
तेरे सुत मेले चाहे कुरछाते। अच्छा अरे चौथी जाई रे कोखिया पानी से दी। क्या आपने एक लड़की को भी जन्म दिया? बेटा एक छोरी और मेरे भाई। फिर लड़की का क्या नाम था, कहाँ गई, उसकी शादी नहीं की? अरे बेटा जबर करे रे सामान। अरे जननी दयोरी भेद बताए। अरे बेटा जबर करे सामान। अरे हसी खुशी के प्यारे करो हो। शादी की तुमने उसकी? अरे मंजा धराओ कुमरिया पानी का ना। अरे बेटा। अच्छा आपने कोख से लड़की जन्मी उसका नाम मंजा रखा? अरे मंजा धराओ कुमरिया पानी का ना।